आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं और जन जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की पहल पर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आगामी 18 और 19 अक्टूबर को कला महोत्सव 8/81 का आयोजन होगा। इस सिलसिले में निर्वाचन सदन में पोस्टर और वीडियो की लॉन्चिंग की गई। राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 18 से 19 अक्टूबर को 8/81 कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस सिलसिले में आज पोस्टर और रील्स जारी किए। उन्होंने बताया कि आकर्षक कलाकारी और मनोरंजक माध्यम से मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आर्टिस्ट आएंगे, केवल झारखंड का नहीं, इंडिया में बाकी स्टेट से भी आ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली इसी प्रोग्राम में 81 आर्ट बनेगी, एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का थीम में बनेगी। इसमें आर्टिस्ट ये होंगे, वो नामी आर्टिस्ट होंगे, बाहर से भी आएंगे, झारखंड का भी आर्टिस्ट रहेंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के कलाकार इस महोत्सव में भाग लेंगे, साथ ही 81 फीट के कैनवास पर मतदाताओं को भी अपने कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 8/81 कार्यक्रम में झारखंड की कलाकृति और संस्कृति की झलक मिलेगी, साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए म्यूजिकल मनोरंजन की भी व्यवस्था होगी। वहीं स्थानीय फूड स्टॉल में लजीज व्यंजन भी उपलब्ध होंगे। एक परिवार का साथ में जाके उसका कराने के लिए, साथ में स्टूडेंट्स का ये आठ में कितना भी इन्वॉल्व है वो भी आने के लिए वहाँ पर सुविधा रहेगी। वहाँ पर हम लोग को फूड स्टॉल भी लगाएंगे, फिर वहाँ फैमिली के साथ में भी जाके आर्ट करने के लिए व्यवस्था होगी। वहाँ पर कोई आदमी जाएंगे मतलब वो सीख से, 2 दिन का प्रोग्राम यही है। आर्ट का माध्यम से हम लोग इसका सभी वोटर के एक शामिल कराने के लिए काम कर रहे हैं उसमें। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। रांची से सहयोगी विकास के साथ शिवानी की रिपोर्ट।